नमस्कार, मैं हूं भावना रावत और आप देख रहे हैं ऑल जोन टाइम्स न्यूज। आज वो खास दिन है जिस दिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में कुंती पुत्र अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। आपको बता दें कि गीता के कुल 18 अध्याय हैं और महाभारत इस ग्रंथ का एक हिस्सा है। इस साल गीता जयंती की 5197वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। पुराणों के अनुसार गीता की उत्पत्ति कलयुग आरंभ होने से 30 वर्ष पूर्व हुई थी। तो चलिए आज इस खास दिन में आपकी मुलाकात इस्कॉन के वाइस प्रेसिडेंट अमोघ लीला प्रभु जी से करवाते हैं। जैसा कि हमने कहा था कि आज प्रभु जी हमारे इस खास सेगमेंट में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, तो चलिए आपकी भी मुलाकात उनसे करवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रभु जी आपका हमारे इस खास शो में। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी, जैसा कि हमें पता है कि सोशल मीडिया में आपके लाखों और करोड़ों फॉलोअर्स हैं, लोग आपको बहुत मानते हैं और जानना चाहते हैं आपसे। कई सवाल हैं उनके मन में जो आज हम आपसे पूछेंगे गीता को लेकर। तो सबसे पहला सवाल हमारे मन में ये है कि हमने ये सुना है कि गीता सबसे पहले अर्जुन को नहीं सुनाई गई थी, ये बात कितनी सच है? ये बात 100% सच है और इस बात की पुष्टि भगवान श्री कृष्ण खुद ही भगवद्गीता के अंदर कह रहे हैं 4th अध्याय के अंदर कि ये जो ज्ञान है मैंने पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, ये बताते हुए कि एक्चुअली ये जो ज्ञान है ये राज विद्या है, यानी जो राज ऋषि हैं, जो सेंटली किंग्स हुआ करते थे, तो लीडर्स के लिए ये नॉलेज है। तो जितने भी लीडर्स हैं उनको ये नॉलेज मिली है हमेशा, ताकि वो लीडरशिप करें तो वैल्यूज के साथ करें। तो भगवद्गीता जो है इसलिए कई राजाओं को दी गई। इवन सूर्यदेव विवस्वान, जो हमारे सूर्यदेव है, बेसिकली सूर्यदेव इज अ पोस्ट, उस पर जो व्यक्ति इस वक्त है उनका नाम है विवस्वान। तो विवस्वान जी को ये विद्या दी थी भगवान श्री कृष्ण ने, और फिर उसके बाद फिर मनु जी को, इक्ष्वाकु, इस तरह से आते आते फिर ये विद्या आगे बढ़ी। और फिर भगवान ये बता रहे हैं कि फिर ये विद्या क्यों विलुप्त तो हो गई, जिसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ, आगे किसी ने नहीं दी, तो सक्सेशन क्रिएट नहीं हुआ, सक्सेशन नहीं हुआ, तो धीरे धीरे करके ये विद्या भी विलुप्त हो गई। इसलिए आज मैं विद्या तुमको फिर से दे रहा हूँ, क्योंकि ना आज विलुप्त हो चुकी है। नहीं तो भगवान कहते फला फला यूनिवर्सिटी है, वहाँ चले जाओ अर्जुन, वहाँ पर गीता का ज्ञान मिलता है, तो वहाँ डिग्री कोर्स चल रहा है वहाँ पर, तो प्लीज़ यू कैन गो एंड अटेंड दैट। लेकिन क्योंकि ऐसा हुआ नहीं, तो इसलिए धीरे धीरे करके ज्ञान विलुप्त हो गया। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है अर्जुन, इसलिए मैं तुमको ये ज्ञान फिर से दे रहा हूँ, क्योंकि ये कुछ समय में ये काल जो है, अब ये काल के प्रभाव में ये ज्ञान विलुप्त हो गया था। एक और सवाल हमारे मन में था कि जैसे कि कहा जाता है कि आज की जनरेशन को गीता के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है और गीता में हमारे बहुत सारे सवालों का जवाब जुड़ा हुआ है, तो ऐसा माना जाता है कि क्या ये गीता को हमारे एजुकेशन सिस्टम से जोड़ना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम में अनिवार्य करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। एक्चुअली कई बार इसको एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बनाने में इससे हिचकिचाहट होती है कि तो हिंदू धर्म का ग्रंथ है, तो शायद सबको हिंदू बनाने की कोशिश की जा रही है, हम तो सेक्युलर कंट्री है। पर एक्चुअली भगवद्गीता बहुत ही सेक्युलर बुक है, क्योंकि भगवद्गीता जो है किसी हिंदू को या नॉन हिंदू को एड्रेस नहीं करती कि ये जो है ये हमारे मजहब के हैं, ये हमारे मजहब के नहीं है, हमारे धर्म के हैं, हमारे धर्म के नहीं है। जो भगवद्गीता है इट इज एड्रेसिंग द सोल, आत्मा, और आत्मा ना तो हिंदू है, ना मुसलमान है, ना क्रिश्चियन है, ना जू है, ना सिख है, ना शरीर जो होता है वो होता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। मेरा जन्म अगर हिंदू परिवार में हुआ तो मैं हिंदू कहलाता हूँ, मेरा जन्म मुस्लिम परिवार में होता है तो मैं मुस्लिम कहलाता हूँ। पर एक्चुअली मेरे को जो शरीर मिल रहा है किस परिवार में, उससे मैं अपना धर्म को आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। पर आत्मा जो है ना तो हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना, तो इसके परे है। सो दैट इज लॉर्ड कृष्ण इज एड्रेसिंग द सोल, जो कि इन सारे धर्मों की बाउंड्री के परे है। जैसे कि मैं बोलूं मुझको दर्द होता है हिंदू तरह से, मुसलमान को दर्द होता है मुस्लिम दर्द, क्या दर्द हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होता है? नहीं। क्या खुशी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होती है? नहीं। उसी प्रकार से जो आत्मा है, जिससे कि सारी कॉन्शियसनेस है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, हैप्पीनेस है, सैडनेस सैडनेस है, ये दुख है, ये कष्ट, तो बेसिकली आत्मा है, इसीलिए है बेसिकली आत्मा की वजह से हम इसको एक्सपीरियंस करते हैं। रीजन बीइंग आत्मा में फीलिंग्स है, शरीर में कोई फीलिंग्स नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण क्योंकि गीता में सोल को एड्रेस कर रहे हैं, यानी कि हमारे दुखों को एड्रेस कर रहे हैं, खुशी कैसे प्राप्त की जाए इसको एड्रेस कर रहे हैं, आनंद कैसे प्राप्त किया जाए इसको एड्रेस कर रहे हैं, जो कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के परे की बातें, ये सभी के लिए वास्तव में। सो दैट इज अ मोस्ट सेक्युलर बुक, तो इसलिए इसको अप्लाई करना चाहिए। समटाइम्स ऑन द नेम ऑफ बीइंग सेक्युलर, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है हम, इसलिए इसको प्रमोट नहीं करता स्कूल में, कॉलेज में, एजुकेशन सिस्टम में, पर ये करेंगे निश्चित रूप से बहुत बहुत लाभ होगा। दूसरा रोल मीडिया का है, मीडिया सब जगह पर है, तो मीडिया से लोग कनेक्टेड हैं,
सो दैट इज मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि इसको लेकर के अवेयरनेस क्रिएट करे। आज कई लोगों को पता भी नहीं है कि जी गीता जयंती, अच्छा हमने गांधी जयंती तो सुना है, ये गीता जयंती भी होती है, हाँ जी पता नहीं है। तो दैट इज ये मीडिया को भी लेकर आना चाहिए, आने वाली 25 दिसंबर को गीता जयंती है, तो ये बात को मशहूर करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। सो इसको लेकर के ड्रामास होने चाहिए, इसको लेकर के शोज होने चाहिए, इसको लेकर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होने चाहिए, सेमिनार्स होने चाहिए, एडवर्टाइजमेंट्स होने चाहिए, गाने लिखे जाने चाहिए, कविताएं लिखी जानी चाहिए, टीवी सीरियल्स बनने चाहिए, वेब सीरीज बननी चाहिए। सो ये सब होगा सो सर्टनली अवेयरनेस क्रिएट होगी, अवेयरनेस क्रिएट होगी तो लोग जान पाएंगे ओके भगवद्गीता इज देयर, जहां जब भगवान श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले भगवद्गीता बोली तो ये अवेयरनेस आएगी। तो मीडिया का रोल और एजुकेशन का रोल, अगर ये तो अपने रोल निभा लेंगे निश्चित रूप से पीपल कम टू नो अबाउट द ग्लोरीज ऑफ भगवद्गीता। तो जैसे कि सवाल ही एजुकेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ है तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है मेरे पास कि जो बच्चे हैं हम जैसे बड़े लोग भी गीता को नहीं समझ सकते, गीता में इतना ज्ञान है वो, तो जो छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वो गीता कैसे समझेंगे अगर उनके उनके लिए अनिवार्य किया जाए, उनको पढ़ाया जाए तो कितना बेनिफिशियल होगा? जी जिस तरह से हमने कोई भी एजुकेशन ली थी तो उसके लिए हमें टीचर की आवश्यकता पड़ी थी जी। राइट, जैसे दूरदर्शन में ना प्रोग्राम आया करते थे, UGC के प्रोग्राम आते थे, उसमें सिखाया जाती थी पाइथागोरस थ्योरम, a² + b² = c², perpendicular² + b² = hypotenuse². लेकिन हमें से कितने लोगों ने UGC के प्रोग्राम से पाइथागोरस थ्योरम सीखी? किसी ने भी नहीं। हम सब टीचर के पास जाते थे, कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते थे, हम किसी से ट्यूशन लेते थे। इस तरह से हम लोगों ने उस एजुकेशन को प्राप्त किया है जो कि पापी पेट का सवाल वाली एजुकेशन है, साहब दो वक्त की रोटी कमानी है तो ये सब तो पढ़ना पड़ता है जी, क्या करें जी। तो ऐसी एजुकेशन जो कि पेट भरने के लिए है और जरूरी भी है, लेकिन उसके लिए हम एक इंस्टीट्यूट में गए थे, कोचिंग सेंटर में गए थे, ट्यूशंस ली थी, प्राइवेट ट्यूशंस ली थी हमने। सो दैट इज भगवद्गीता को समझने के लिए भी हमें कोचिंग की आवश्यकता है, टीचर की आवश्यकता है, इंस्टीट्यूशन की आवश्यकता है। सो दैट इज अगर ये रहेगा देन सर्टनली पीपल कैन अंडरस्टैंड और गीता को समझाया जा सकता है। हालांकि जो जो श्लोक है उसके दे आर लाइक सूत्रास, लेकिन उसको अगर डिकोड करना हो उसके लिए स्टोरीज हैं, एग्जांपल्स हैं, एनेक्डोट्स हैं, शॉर्ट एग्जांपल्स हैं। तो ये जब रहेगा तो निश्चित रूप से बच्चे समझ सकते हैं। हमारे यहाँ के बच्चे हैं वो भगवद्गीता के श्लोक ही बोलते हैं और श्लोक बोलते हैं साथ साथ में उसको अनुवाद ही बोल लेते हैं और स्टोरीज उनको बहुत अच्छी लगती है। सो दैट इज उसे सीख सकते हैं। हमें देखिए हम सब जब माँ की कोख से निकले थे हम उनसे डांस करते निकले थे, हम सब लड़खड़ाए थे राइट। तो चलने जैसी सिंपल एक्टिविटी जो हम लड़खड़ाते हैं तो क्या भगवद्गीता पढ़ते हुए नहीं लड़खड़ाएंगे? लड़खड़ाएंगे, कन्फ्यूजन्स होंगी, समझ में नहीं आ रहा है जी क्या चल रहा है, एक व्यक्ति बोल रहा है भाई तू लड़ ले, भाई तू लड़ ले, दूसरा बोल रहा है अर्जुन बोल रहा है मैं नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा, पहले बोल रहा भाई तू लड़ ले लड़ ले, फिर वो अर्जुन बोलते नहीं मैं नहीं लड़ूंगा, पाए नहीं कहा भाई स्यापा मताओ जी चलो जी लड़ लेते हैं। गीता तो फिर यही है क्या, ये 700 श्लोक में यही चल रहा है कि भाई तू लड़ ले लड़ ले, मैं नहीं लड़ूंगा लड़ूंगा, तो यही है क्या? सो दैट इज उस चीज को समझने के लिए मुझे टीचर के पास जाना पड़ेगा, सर ये गीता व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, ये क्या है क्या भला? तो हमें टीचर की आवश्यकता पड़ी इस प्रकार से। सो वी शुड ऑलवेज कम टू टेम्पल एंड वी शुड आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द भगवद्गीता। अक्सर लोग आते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं, हम क्यों आए थे? भगवान के दर्शन करने के लिए आए, पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मंदिर में आना सवाल पूछने के लिए जी, अपने डाउट्स को दूर करने के लिए, क्योंकि हम सबके पास श्रद्धा है और श्रद्धा जो है वो सूरज के समान है और सूरज के आसपास अगर क्लाउड्स होते हैं तो हम सूरज की रोशनी को अच्छे से ले नहीं पाते। जैसे आजकल सर्दी का मौसम अगर है हम देख रहे हैं कि जब क्लाउड्स होते कहते हैं जी आज धूप नहीं निकली जी आज तो हो, लेकिन जिस दिन धूप निकले होती है हम कहते हैं आह हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। सो दैट इज अगर हमारी श्रद्धा को सूरज से कंपेयर करें तो हमारे डाउट्स हैं दे आर लाइक क्लाउड्स। तो जैसे ही इन क्लाउड्स को यानी डाउट्स को हम दूर कर देंगे तो श्रद्धा का जो सूरज है पूरा खिल जाएगा। तो इसीलिए हमें अपने डाउट्स दूर करने चाहिए क्वेश्चंस पूछ करके। जो जो वाकई में साधु है, जो अक्सर में भगवान का भक्त है, वो हमेशा आपको क्वेश्चंस पूछने के लिए इंस्पायर करेगा और जो नकली साधु कहेगा देव सवाल नहीं पूछना श्रद्धा रखो बस, पर असल में जो वास्तविक साधु होगा द वन हु इज अ रियल स्पिरिचुअल गुरु विल आस्क यू ओके यू प्लीज आस्क क्वेश्चंस। तो एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ कि जयंती का मतलब होता है जन्म, लेकिन हमने ये पढ़ा है कि गीता जयंती का मतलब ये नहीं है कि गीता का जन्म, तो इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए जयंती का वैसे मतलब होता है ऑस्पिशियस डिसेंट, यानी कि किसी व्यक्ति का बहुत ही शुभ और डिवाइन अगर डिसेंट यानी कि प्राकृतिक होता है, आविर्भाव होता है, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं, फिर ऐसी चीज को बोला जाता है ओके जयंती। एक्चुअली तो जयंती जो है एक्चुअली लगना चाहिए भगवान या उनसे संबंधित चीजों के लिए, हालांकि इस दुनिया के साथ हम लगाए थे इनकी जयंती उनकी जयंती, लेकिन एक्चुअली उनका तो वो बर्थ रही है लाइक दैट। लेकिन वैसे देखा जाए भगवान
की और भगवद गीता की जयंती होती है। मींस ये प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। जब प्रकट नहीं भी हो उससे पहले भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सूरज आज सुबह सुबह उगा, मैंने कहूंगा टुडे आज नो नो टुडे मॉर्निंग द सन टुक बर्थ, हम ऐसा बोलेंगे नहीं। सूरज आज सुबह प्रकट हुआ है एक्चुअली, शाम को फिर ढल जाएगा तो अप्रकट हो जाएगा। यानी सूरज तभी भी रहेगा लेकिन हमारी आंखों से ओझल हो जाएगा। और आज सोए भी जब सूरज उगा उससे पहले भी सूरज है, हमारी आंखों को नहीं दिख रहा। उस तरह से भगवद्गीता ज्ञान भी हमेशा से है लेकिन प्रकट हुआ है, अब कुछ समय बाद अप्रकट भी हो जाएगा। कलयुग बढ़ेगा फिर लोग भूल जाएंगे भगवद्गीता को, मैगजीन पढ़ रहे होंगे, नॉवल पढ़ रहे होंगे लेकिन भगवद्गीता को भुला देंगे लोग। सो ये ज्ञान अप्रकट हो जाएगा, लेकिन ज्ञान रहेगा लेकिन हमको अप्रकट हो जाएगा। तो इसीलिए जिस तरह भगवान श्री कृष्ण भी आए तो 125 साल भगवान ने लीला की, उससे पहले भी भगवान श्री कृष्ण हैं, उसके बाद भी भगवान रहते हैं। सो व्हेन देयर इज डिवाइन डिसेंट, यानी कि कोई बहुत ही दिव्य रूप से अगर कोई व्यक्ति प्रकट होता है तो हम उसके आगे लगाते हैं जयंती। तो एक और सवाल था प्रभु जी हमारे मन में, जब गीता लिखी गई थी, जिस समय गीता लिखी गई थी वो समय बहुत अलग था और आज का समय कलयुग है, बहुत अलग है। तो कहा जाता है, माना जाता है कि गीता के अंदर हमारे सभी प्रश्नों का हल है, जवाब है। तो क्या आज के समय जो हमें परेशानियां होती हैं उनका भी जवाब हमें गीता में मिल सकता है? बिल्कुल 100% मिलेगा। एक्चुअली जो भगवद्गीता है ये टाइम टेस्टेड विजडम है और टाइमलेस विजडम है। यानी कि जब भी समय आता है भगवद्गीता ज्ञान अप्लाई हुआ है, भगवद्गीता के ज्ञान ने काम किया है क्योंकि टाइमलेस है और टाइम टेस्टेड। हम ये नहीं कहेंगे वो उस समय की बात थी जब अर्जुन थे, उनको टेंशन थी, उनको एंजाइटी थी, तो फिर उनको जो सुनाई गई गीता वो उनके लिए थी, हमारे लिए कहाँ जी। ऐसी भगवद्गीता तो अर्जुन को जो सुनाई गई है दैट इज, अर्जुन तो सिर्फ माध्यम है राइट, लेकिन एक्चुअली उनके थ्रू पूरी जनमानस सुनाई गई है। अब जैसे आप मुझसे सवाल कर रही हैं, अब एक्चुअली आप जनता के बिहाफ में मेरे सवाल कर रही हैं जी। अब मालिक को इंटरव्यू देखे कहते हैं अरे वो भावना जी थी, वो उनके कुछ सवाल थे, वो उनको बात होगी उनकी अमोगीला प्रभु की, चलो हमारे लिए थोड़ी ना भाई है। नहीं ऐसा नहीं है, एक्चुअली आप जनता के बिहाफ पर आपने सवाल करी और मैं इस बात का जवाब दे रहा हूँ जी। सो उसी तरह से अर्जुन के थ्रू ये कॉन्वर्सेशन हुई, हालांकि अर्जुन तो ऑलरेडी भक्त है, उनको गीता की जरूरत ही नहीं है, इज ऑलरेडी डिवोटी, भगवान का भक्त है। भगवान का भक्त जो होता है वो तो मस्त होता है एकदम। सो दैट इज नाउ ही इज प्लेइंग द रोल, अरे मैं तो बहुत चिंता में हो गया हूँ, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरा गला सूख रहा है, मेरा मुंह सूख रहा है, मेरा मन बहुत भाव विहल हो रखा है, मैं क्या करूँ, हे कृष्ण मेरे कन्फ्यूजन को दूर करिए। बेसिकली वो हमारे कन्फ्यूजन को देख करके वो ही इज एक्टिंग लाइक दैट, कि अगर कोई इस हाल में हो, कन्फ्यूजन में हो, क्राइसिस में हो तो क्या करना चाहिए, उसको भगवद्गीता सुननी चाहिए। सो इसीलिए अर्जुन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोगों को और हमारे बिहाफ पर वो सवाल पूछ रहे हैं, भगवान हम पाप नहीं करना चाहते फिर भी हम पाप क्यों कर बैठते हैं। वो अर्जुन जिनके आगे उर्वशी आई और उर्वशी आकर उनको सेड्यूस नहीं कर सकेंगे, यानी कि उनके अंदर तो सेंस कंट्रोल है। तो ये व्यक्ति को पूछता है हम जो पाप नहीं करना चाहते पाप कर बैठते हैं, क्यों हमारे लिए पूछ रहे हैं। हमारे साथ ही है, जब हम पाप नहीं करना चाहते तो भी हम पाप कर बैठते हैं, पछतावा होता है, क्यों किया क्यों किया क्यों किया, ओ नो फिर कर बैठते हैं, फिर कहते हैं ओ नो क्यों किया क्यों किया। सो दैट इज हमारे बिहाफ पे अर्जुन ये सवाल पूछ रहे हैं। तो इसीलिए 5000 साल पहले आले की कॉन्वर्सेशन हुई थी, कुरुक्षेत्र भूमि पे हुई थी। सो दैट फेज ये जो कॉन्वर्सेशन है ये हमारे लिए हुई है। तो दैट फेज ये जो नॉलेज है ये आज भी अगर अप्लाई करते हैं लोग तो आज भी लोग खुश होते हैं, आज भी उनकी दिक्कतें दूर होती हैं। भगवद्गीता क्या करती है, बेसिकली हमारी चेतना को इतना ऊंचा उठा देती है कि ना दिक्कतें अब दिक्कतें नजर ही नहीं आती। भगवद्गीता आज भी रेलिवेंट है, आज भी लोग इसको सुन रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं, उनका जीवन बदल रहा है। सो ये आज भी जो पढ़ेगा इसको लाभ मिलेगा, आज से 10,000 साल बाद भी जो पढ़ेगा इसको लाभ मिलेगा, बिकॉज इट इज टाइमलेस विजडम एंड इट इज टाइम टेस्टेड विजडम। तो अब प्रभु जी आपसे कुछ सवाल हमारे ये भी थे कि जैसे आजकल कोरोना से लोग बहुत परेशान हैं, मानसिक बीमारियों से लोग बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आए दिन नई नई बीमारियां पनप रही है, तो इस बारे में कुछ बताइए। भगवान श्री कृष्ण भगवद्गीता में बता रहे हैं 8वें अध्याय के 15वें श्लोक के अंदर, दुखालयम अशाश्वतम, कि संसार क्या है, दुखालय। अच्छा किसके शब्द है ये, मैन्युफैक्चरर के शब्द है। जैसे एक होता है यूजर, एक होता है मैन्युफैक्चरर, किसी नॉलेज ज्यादा होती है, यूजर की मैन्युफैक्चरर की, मैन्युफैक्चरर की ऑफ कोर्स। तो इस दुनिया में हम लोग क्या है, यूजर्स, भगवान क्या है, मैन्युफैक्चरर। सो मैन्युफैक्चरर ये खुद बता रहा है कि भाई ये दुनिया मैंने बनाई और उसके ऊपर मैं स्टिकर लगा रहा हूं, दुखालयम। जैसे पुस्तकालय में क्या मिलता है, पुस्तक, विद्यालय में क्या मिलता है, विद्या, भोजनालय में क्या मिलता है, भोजन, तो दुखालय में क्या मिलेगा, दुख। एब्सोल्युटली, तो भगवान कह रहे हैं देखो ये दुनिया मैंने बनाई, मैं इसके ऊपर स्टिकर लगा रहा हूं, दुखालयम। हम बोले नहीं नहीं प्रभु ये दुखालय नहीं, तो सुखालय है, हम फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाते हैं, ये तो सुखालय है, हम किंगडम ऑफ ड्रीम्स गए थे गुड़गांव में, ये तो सुखालय है,
हम तो गए थे फला फला शॉप में, हमने वहां गोलगप्पे खाए थे तो सुखा ले है। मोहन कहते हैं बेटा मैं बता रहा हूँ, मैंने बनाया ना इस दुनिया को, ये दुखाले है ये। नहीं मोहन सुखा ले। मोहन कहते हैं ठीक है भाई। दूसरा एक और शब्द भी है अशाश्वतम, यानी टेम्परेरी। खुशियाँ आएंगी लेकिन चली भी जाएंगी, आएंगी कम चली ज़्यादा जाएंगी। तो ये अशाश्वतम ये भी है, जो तो लगा ना सुखा ले। जो स के नीचे छोटा ओ की मात्रा है ना, बस ये बड़ा ओ की मात्रा करो, बाकी तेरी स्पेलिंग सेम। अभी क्या बन गया? सुखाल है बेटा, तू यहाँ सुखेगा ही सुखेगा, यहाँ सब सुखते हैं। इससे ज्यादातर बुजुर्ग लोग प्रवचन सुनने जाते हैं, जवान लोग नहीं जाते। अरे ये बुढ़ऊ लोग, इनको जाने दो प्रवचन सुनने के लिए, और क्या ये जवानी है दीवानी। कोई बात नहीं बेटा, जब तुम भी सूख जाओगे तुम भी बैठे होगे। सो दैट इज ये सुखाले है, रीजन बीइंग हाँ दुख तो मिलेगा, लेकिन इस बात का रियलाइजेशन हो पाता है जब हम जीवन के अंत में पहुंच जाते हैं। और अशाश्वतम भी है, दैट मीन्स एवरीथिंग इज टेम्परेरी हियर। यहाँ सुख दुख दोनों ही टेम्परेरी हैं, हालांकि दुख की परसेंटेज ज़्यादा है, सुख की परसेंटेज बड़ी कम रहती है, लेकिन हाँ दोनों ही है। तो कोरोना वायरस बेसिकली जो आया, ये भी यही बता रहा है कि भगवान श्री कृष्ण की बात की पुष्टि कर रहा है, कन्फर्म कर रहा है, यस वाकई में संसार दुखाले। कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता, लेकिन नो डाउट कोविड का जो समय था इसमें कुछ अच्छा भी हुआ। अच्छा ये हुआ कि लोगों ने अपनी हेल्थ के ऊपर काम करना शुरू किया। दूसरा क्या है, लोगों ने अपने परिवार के साथ समय बिताया, क्योंकि आप वर्क फ्रॉम होम है तो इसलिए काम करते करते घर में सबके साथ गुफ्तगू भी कर लेते हैं। सो दैट इज स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली। ऑनलाइन एजुकेशन बहुत शुरू हो गई, लाइक स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स। ओ माय गॉड, एवरी डे आई वाज डूइंग अराउंड 4 to 5 प्रोग्राम्स एवरी डे, बिकॉज दुख के समय लोग स्पिरिचुअल हो जाते हैं, प्रभु अब तो तेरा ही सहारा है प्रभु। सो दैट इज दुख के समय में लोग स्पिरिचुअल हो जाते हैं, सो ये भी अच्छा हो गया। और साथ ही आने वाले समय में इंडिया विल हैव लॉट ऑफ जॉब्स कमिंग, क्योंकि लोगों का चाइना से विश्वास उठ चुका है, क्या चाइना का माल में हो सकता है कोरोना वायरस चिपका हो, यहाँ वहाँ कुछ नहीं पता भाई। तो अपने प्लांट्स को शिफ्ट कर रहे हैं अब इंडिया, अराउंड 500 to 600 कंपनीज हैव ऑलरेडी डिसाइडेड टू शिफ्ट टू इंडिया फ्रॉम चाइना। तो आने वाले समय यहाँ पर जॉब्स भी बहुत बढ़ेंगी, इंटरनेट से रिलेटेड जॉब्स बहुत बढ़ेंगी, बिकॉज अब वेब सिक्योरिटी वेब एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जॉब्स की आवश्यकता पड़ेगी। सो दैट इज आने वाले समय में न्यू काइंड ऑफ जॉब्स विल बी कमिंग, स्पेशली इंटरनेट रिलेटेड जो जॉब्स हैं, ई कॉमर्स, ई एजुकेशन, ई एडमिनिस्ट्रेशन। सो दैट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट थिंग। तो उस तरह से जॉब्स भी इंडिया में आने वाले समय में बढ़ेंगी। लोग ओवरऑल सात्विक हुए हैं, नहीं तो भाग दौड़ में बिजी हैं, लेकिन अब थोड़ा ठहराव आया तो ये भी लोगों से अच्छा हुआ। एनवायरमेंट अच्छा हो गया, पोल्यूशन फ्री हो गया, यू नो पीपल कुड सी द बॉटम ऑफ गैंजेस इन हर की पौड़ी। तो गंगा मैया इतनी क्लियर नजर आ रही है, वाओ, पंजाब से कभी हिमालय नजर नहीं आया बिकॉज इतना पोल्यूशन है। लेकिन कोविड की वजह से अब सड़कें खाली हो गई थी, तो फिर दैट इज एयर क्लीन हो गई, तो प्रकृति ने साफ कर लिया अपने आप को, प्रकृति ने रीसेट बटन दबाया कोरोना वायरस के माध्यम से कि इतना हड़कंप मचा कर रखा है इंसानों ने, इनकी सेवा मैं करती हूँ लेकिन ये इतने बदमाश लोग हैं, ये मेरी बिल्कुल सेवा नहीं करते, कुछ ना कुछ करना पड़ा, क्या करें, कोरोना वायरस वाला बटन दबाती हूँ अभी ठड़क। तो जैसे बटन दबाया, सो दैट इज द एनवायरमेंट बिकेम क्लीन, तो हवा साफ हुई, पानी शुद्ध हुआ, लोगों में एक ठहराव आया। ऑल दो यस, जिन लोगों की जाने गई उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके अपने चरणों का शरण दे, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो डेथ रेट 27% कम हुआ, क्योंकि सड़कों पे मरने की परसेंटेज कम हो गई, बाकी बीमारियां कम हो गई, लोगों ने हेल्थ पे ध्यान देना शुरू कर दिया कोविड की वजह से, जो लोगों ने शरीर छोड़ा, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी बीमारियां काफ़ी कम हो गई। सो ओवरऑल डेथ रेट एक्चुअली कम हुआ 27%। सो इन्हें देखा जाए तो कोविड वरदान भी है और श्राप भी है, लेकिन वरदान ज़्यादा है, श्राप कम है जी। तो ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताई है कि कोरोना लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव भी रहा है नेगेटिव के साथ साथ। yes. तो प्रभु जी आपने हमारे इतने सारे सवालों का जवाब दिया, लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे और करेंगे कि आज गीता जयंती के दिन लोग कैसे गीता जयंती को मनाएं, जिस तरह हमें पता है कि दिवाली कैसे मनाते हैं और बाकी त्यौहार हम जिस तरह से मनाते हैं, गीता जयंती बहुत कम लोगों को पता है जी. तो बहुत कम लोग उसे जो मनाना चाहते हैं वो कैसे मनाएं, क्योंकि कुछ पता नहीं है, तो आप बताएं कि गीता जयंती कैसे मनाएं, उस दिन क्या करना चाहिए। Well, गीता जयंती के दिन वैसे लोगों को चाहिए कि ना कंप्लीट भगवद गीता का पाठ करें। कहीं बोला अब ये लगता है कि हमें संस्कृत तो आती नहीं है, ये तो 700 श्लोक संस्कृत में है, हमको तो संस्कृत कभी आती नहीं, पठम पठम पठानी, संस्कृत कभी ना आनी, आनी तो भूल जानी, मास्टर से डंडे खानी, हमारा तो ये मंत्र रहा है। वेल, आपको उसकी चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवदगीता आज उसका अनुवाद उपस्थित है, और भगवदगीता यथारूप जो कि श्रील प्रभुपाद जी द्वारा ट्रांसलेटेड है, वो 89 लैंग्वेजेस में आज अवेलेबल है, हिंदी में और अंग्रेजी में तो है ही है। सो दैट इज यू कैन गेट दिस कॉपी ऑफ भगवद गीता, सिर्फ उसका अनुवाद आज पढ़ लें। अब क्योंकि अभी न्यू ईयर आ रहा है, न्यू ईयर पे क्या कर सकते हैं हम लोग, न्यू ईयर पे लोग देते हैं मिठाई, अच्छा मिठाई आपने ली, लेकिन मिठाई की उम्र कितनी होती है, एक रात, अगले दिन सुबह सारी मिठाई जो है वो चली जाएगी टॉयलेट में, फ्लश कर दी जाएगी।
तो नए साल पे भला क्या गिफ्ट दें जी? तो नए साल पे हमें गिफ्ट देना चाहिए श्रीमद् भगवद गीता को, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता जो है इट्स अ मैनुअल ऑफ लाइफ, ये जिंदगी जीने का मैनुअल है। जैसे हम कोई गैजेट खरीदते हैं, जैसे कोई मोबाइल फोन अगर किसी पास हो तो इसका मैनुअल भी आता है। सो वी रीड द मैनुअल एंड देन यूज द गैजेट। अगर मैं बिना मैनुअल पढ़े हुए अगर गैजेट को इस्तेमाल करूंगा तो मैं गैजेट का बेड़ा गर्क मार दूंगा। जैसे मोबाइल फोन को मैंने मोबाइल डाल दिया वॉशिंग मशीन में, गंदा हो गया है, डाल दो वॉशिंग मशीन में, तो आपने बाद में मैनुअल पढ़ा इसको वॉशिंग मशीन में नहीं डालना है, इसको सोटे मार के नहीं धोना, ओह गॉड मैंने क्या किया, पहले मैनुअल पढ़ लिया होता तो अच्छा रहता। तो मैनुअल हमें पहले पढ़ना चाहिए गैजेट को इस्तेमाल करने से पहले, राइट? गैजेट का बेड़ा गर्क मारने के बाद नहीं। तो इस तरह से जिंदगी जीने की शुरुआत होनी चाहिए गीता पढ़ करके, ना कि हम जब बूढ़े हो जाएंगे, एक बार बूढ़े हो जाए, बच्चे ब्याह लें, घर की किश्तें चुका लें, दहेज इकट्ठे करने हैं बेटियों के लिए जी, फिर जब बूढ़े हो जाएंगे फिर हमारे आंखों में मोतियाबिंद होगा, फिर हम मोतियाबिंद वाली आंखों से भगवद गीता पढ़ेंगे, आ हा हा बहुत आनंद आएगा जी, बहुत आनंद आएगा। तो बुढ़ापे में लोग भगवद गीता पढ़ नहीं पाते। एक बार आप सर्वे करके देखिएगा कितने बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने जवानी में कभी गीता पढ़ी नहीं है, आज वो कितने लोग हैं जो गीता खोल के बैठे हुए हैं, और गलती से खुल भी गई है तो कितने लोगों को समझ में आ रही है। बुजुर्ग होकर के भगवद गीता को अप्लाई करने का आस्वादन करने की उम्र है वो, ना कि वो शुरू करने की उम्र है। शुरू तो अभी करना चाहिए, जैसे आप ऐसे लोग हैं अभी यंग पीपल, दे शुड ऑल गेट भगवद गीता। तो इसीलिए नया साल आ रहा है, नए साल के उपलक्ष्य में वी शुड गिव एवरीवन श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज। वैसे आइडियली होना चाहिए प्यासों को कुएं के पास आना चाहिए, नहीं कलयुग है तो उल्टा काम करना पड़ता है, कुएं को भागना पड़ता है, प्यासे जी ये लो गीता से प्यास बुझा लो। सो दैट मीन्स हमें गीता को बांटना भी चाहिए। इस कॉन में वी डू सो मेनी कोर्सेज ऑल्सो, स्कूल्स में हमारे कहीं कॉन्टेस्ट चल रहे हैं गीता को लेकर के, ताकि बच्चे गीता को कॉन्टेस्ट के लिए सही लेकिन पढ़ें। सो अब उनके घर में गीता जाती तो फिर पेरेंट्स ही पढ़ते हैं, तो दैट इज इस कॉन इज डूइंग दैट एज वेल। वी आर हैविंग वेरियस कॉन्टेस्ट, भगवद गीता कॉन्टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है इनमें ज़्यादातर कॉन्टेस्ट, और इनमें भाग लेकर के बच्चे जो है दे कैन फील सो मच इंस्पायर्ड। हमारे गीता सार कॉन्टेस्ट हमने किया था एक बार, जिसमें मुसलमान लड़की जीती थी, और हमने उसमें स्टेज बुलाया इस बिटिया को, हमने कहा बच्चे आप फर्स्ट आए हो गीता कॉन्टेस्ट में तो आप कुछ बोलना चाहोगे? कहती हाँ मैं बोलना चाहूंगी। उसने बोला हालांकि मैंने कॉन्टेस्ट के लिए भगवदगीता पढ़ी, पर मुझे भगवदगीता पढ़ करके इतना अच्छा लगा कि मैं सबसे रिकमेंड करूँगा, मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूंगी कि सबको भगवदगीता पढ़नी चाहिए। हम लोग मुसलमान लोग हैं, हमारे पास हमारी पर्सनल कॉपी कुरान की होती है, और जो क्रिश्चियंस हैं उनके पास उनकी पर्सनल कॉपी बाइबल की होती है। लेकिन मुझे देख के बहुत दुख होता है कि हिंदुओं में उनकी पर्सनल कॉपी भगवदगीता की नहीं है, क्योंकि ये लोग भगवदगीता नहीं पढ़ते। मेरी सारी हिंदू भाइयों से बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सबके पास भी आपकी पर्सनल कॉपी होनी चाहिए श्रीमद् भगवदगीता की। एक पिताजी ने एक बच्चे को बोला बेटा तू गीता पढ़ा कर, बच्चे ने बोला पापा समझ में तो नहीं आती नहीं है पापा, मैं क्या करूं पापा। पिता ने कहा फिर बेटा पढ़ा पढ़ने की कोशिश कर बेटा, पापा समझ में नहीं आ रही पापा मैं क्या करूं पापा। तो पिताजी ने कहा ठीक है बेटा ऑलराइट। एक ना वहाँ टोकरी पड़ी थी, बांस की सिल्लियों की बनी हुई टोकरी थी, उसमें बहुत सारा कोयला पड़ा हुआ था। पिताजी ने कहा बेटा ये कोयला थोड़ा उलट दे और इस टोकरी में ना पास में नदी है उससे पानी भर के लेकर गया। तो उसने कोयला पलट करके गया नदी से पानी भर के लेके आया, तो सिल्लियाँ अब बांस की हैं तो उनमें से बीच में छेद भी होते हैं, तो पानी लेकर के आया तो पानी रिस्ता रहा रिस्ते फाइनली जब तक पहुँचा पिताजी के पास पानी सारा बह चुका था। अब क्या करें जी, कहते पापा पानी सारा बह गया पापा। पिताजी का कोई मानी बेटा दोबारा भर के लेकर गया, वो दोबारा गया दोबारा भर कर लेकर गया था, फिर से पानी रिस्ता फिर पहुँचा कहता पापा सारा पानी फिर से बह गया पापा। पिताजी का ओके आखिरी बार लिया बेटा आखिरी बार लास्ट टाइम, फिर लेकर के आ रहा था, इस बार ये हुआ सारा पानी बह गया। कहता पापा आप क्यों चाहते हो मैं इसी टोकरी में लेकर के आऊं, सारा पानी तो बह जाता है। पिताजी ने कहा लेकिन एक बात तो नोटिस की टोकरी साफ हो गई देख, हालांकि पानी सारा बह गया लेकिन फिर भी टोकरी साफ हो गई। उस तरह से गीता का जो अमृत है वो हम इस टोकरी में रखना चाहेंगे, हो सकता है टोकरी में छेद बहुत सारे हैं ना तो टोकरी सारा पानी बह जाए, यानी कि गीता का अमृत बह गया जी, कुछ समझ नहीं आया टिकी नहीं कुछ, लेकिन टोकरी साफ हो जाएगी हमारी। सो भगवदगीता अगर हम पढ़ते हैं समझ में अगर नहीं भी आती है, लेकिन आप क्योंकि इन श्लोकों से उस शब्दावली से वो जो साउंड वाइब्रेशन है भगवान श्री कृष्ण की उससे गुजरते हैं अगर आप, यू फील प्योरीफाइड, आपकी टोकरी साफ हो जाएगी। और टोकरी साफ करना बहुत ज़रूरी है। आज टोकरी साफ नहीं है इस वजह से लोग टेंशन में है, एंग्जाइटी में है, स्ट्रेस में है, तनाव में है, शुगर व बीपी लगा हुआ उनको, क्यों टोकरी गंदी हो रखी है इसीलिए। सो टोकरी साफ हो जाएगी आपकी अगर आप भगवदगीता पढ़ते हैं। सो तो दैट इज गीता जयंती के दिन वी शुड स्टार्ट रीडिंग भगवदगीता। मैं जानता हूं नॉर्थ इंडियंस की स्पेशली रीडिंग हैबिट थोड़ी पुअर होती है, विदेशों में रीडिंग हैबिट इज वेरी गुड, इसमें देखते हैं बाहर किंडल है, किंडल पेपर वाइट एंड ऑल दैट, किंडल ओएसएस लोग पढ़ते हैं। साउथ इंडिया में भी मैं देखा लोग पढ़ते हैं,
हम नॉर्थ इंडियंस थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में कमजोर हैं। सो लेट्स टेक अ रिजॉल्व, हम 2021 ये जो नया साल है गीता जयंती में हमने आपको प्रिपेयर करें कि हम अब से हर रोज ये मैनुअल ऑफ लाइफ को पढ़ेंगे, हमें समझ में आए या ना आए लेकिन हम इसको पढ़ेंगे। और धीरे धीरे करके आप समझ में आनी शुरू होती है, जब समझ में आनी शुरू हो जाएगी टेस्ट लग जाएगा तो कब ये दो मिनट आपके पांच मिनट बनेंगे, दस मिनट बनेंगे पता नहीं चलेगा। बट एवरी डे लेट्स स्टार्ट विद टू मिनट्स, मोबाइल फोन में लगाइए 10 मिनट्स, 10 मिनट पढ़ेंगे, 10 मिनट नहीं 2 मिनट, 2 मिनट का अलार्म लगाइए, हम रोज 2 मिनट भगवद गीता पढ़ेंगे, बाकी आपके 23 घंटे और 58 मिनट्स एज इट इज 2 मिनट भगवद गीता के लिए। लेकिन जब इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा इस तरह से धीरे धीरे करके यही 2 मिनट आपके 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा बन जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद एवरी डे स्टडिंग भगवद गीता फॉर 2 मिनट्स, 120 सेकेंड्स, ऐसी शुरुआत करें एटलीस्ट, एंड देन यू विल फील सो ब्लेस्ड। प्रभु जी आपने बहुत अच्छी बात बताई कि नया साल आ रहा है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये साल सब पे बहुत भारी पड़ा है, 2020 कोई भी नहीं भूल पाएगा, तो ये बहुत अच्छा है कि 2021 की शुरुआत में हम सबको गीता दी एज अ गिफ्ट। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी हमारे साथ इस खास सेगमेंट में बनने के लिए, गीता जयंती पे हमारे दर्शकों को इतनी सारी बातें बताने के लिए। आई होप उनके जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो चुके होंगे, और किस तरह से मनानी है गीता जयंती और मनाना क्यों होता है ज़रूरी वो भी हमने आपको बताया। तो इस बार गीता जयंती पर गीता पढ़ना ज़रूर ज़रूर याद रखें, और भूलें ना कि गीता पढ़ना क्यों ज़रूरी है, और यूथ के लिए जो मैसेज दिया है आपने कि यूथ को इस एज में ही गीता पढ़नी चाहिए, बूढ़े होने का वेट नहीं करना है, गीता इसी टाइम पे पढ़ने में हमारा फायदा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी हमारे साथ इस खास सेगमेंट में बनने के लिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। सारे जो व्यूअर्स हैं उनको गीता जयंती की भी हार्दिक शुभकामनाएं, और आने वाला जो नव वर्ष है वो भी आपका बहुत मंगलमय हो, भक्तिमय हो, और भगवान श्री श्री राधा कृष्ण के आशीर्वाद आप पे बने रहे। वी प्रे फॉर यू बाय चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।